हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान, वेलकम टू मौका फेस 68। समर डिजिटल की टीम जनाब आज आई है मौका फेस 68। क्या आप जानते हैं क्यों इतना क्राउड जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे आखिर वो किन लोगों का है? तो चलिए आइए आपको मिलवाती हूँ पाकिस्तान की मशहूर नामवर शख्सियात से, ड्रामा आर्टिस्ट, राइटर्स और सेलिब्रिटी से लेकर समा फैमिली से कौन कौन मौजूद है, चलिए आइए मिलते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमें मौका मिला है मौका फेस 68 में जमा होने का, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत ही पाकिस्तान के मशहूर नाम और मुफक्किर, राइटर्स, पोइट मौजूद है। चलिए आइए आपको मिलवाते चलो। हमारे साथ जी वसी शाह भी मौजूद है, खलील रहमान कमर साहब भी मौजूद है, और तो और भी बहुत से नाम और शायर मौजूद है। आप बताएं सर, आपको कैसे? हमारे साथ डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब भी मौजूद हैं, नूरुल हसन साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह, डॉक्टर इजहार भी मौजूद हैं, डॉक्टर इजहार भी मौजूद हैं, और आज हम मौका पर आए हैं, वी गॉट अ मौका कि हम सब लोग इकट्ठे बैठते। वी हैड फूड हियर, वी हैड कप ऑफ कॉफी, एंड वी जस्ट एंजॉयड टू आवर हार्ट कंटेंट। इट वाज लवली। और हमने अब तय कर लिया है कि हम मौका बार बार मौका हासिल करेंगे, और वी विल कम टू मौका। वंडरफुल, ग्रेट सर। कैसी लग रही है आपको आपकी गैदरिंग कब? बहुत अच्छी, इट इज लवली टू सी माय फ्रेंड्स। यू नो, हमारी फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं उनको हमारी मसरूफियत कुछ इस तरह बढ़ गई कि हमारी मुलाकातें जो हैं वो खाल खाल होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र, आई एम सो हैप्पी दैट आई मेट माय ऑल फ्रेंड्स टुडे एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड पार्ट ऑफ द मौका फैमिली। जी अब मेरे साथ है वसी शाह साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? वेलकम टू समर डिजिटल। हमारी कोशिश होती है कि हम भी मौका ढूंढें और समर डिजिटल जो है वो ज़रूर कैप्चर करें उन तमाम मेमोरेबल मोमेंट्स को। जब आप एक दो दिन बाद या अरसे बाद रिकॉल करते हैं तो वो प्रेशियस मेमोरीज बन जाती हैं। और ये जो इस वक्त मौका है, ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रेशियस मोमेंट लेटर ऑन व्हेन वी विल रिवाइव इट एंड रिकॉल इट। ये बताइए सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं अपने तमाम बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के साथ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाहौर में इस किस्म की जो तकरीबात हैं वो बिल्कुल ही तकरीबन मफकूद हो गई ना, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। और हमारा जब अब से कुछ 5-7 साल पहले अमजद साहब, खैर पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, हयात थे, दीगर दोस्त हयात थे, फराज साहब थे, मुनीर साहब थे, तो जितने शहर भर के अदीब और लिटरेरी जो फिगर्स हुआ करते थे वो सब इकट्ठे बैठते थे, कोई ना कोई मौका मिलता था, उससे तबादला ख्याल होता था, कुछ सुनने का, कुछ कहने का, कुछ सीखने का मौका मिलता था। तो थैंक्स टू चॉइस साहब एंड थैंक्स टू मौका, एक एम्बियंस बहुत अच्छा है, फूड कुजीन बहुत अच्छा है। जो आप कॉफी पी रहे थे बड़े मजे से, आई कुड सी यू वर एंजॉयिंग इट, सो हाउ इज इट? सो सिटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड विद कोल्ड कॉफी एंड गपशप एंड पोएट्री एंड लिटरेचर, सो नथिंग लाइक इट, नथिंग इज मोर प्रेशियस देन दैट। सो थैंक यू फॉर चॉइस साहब एंड थैंक यू फॉर मौका, फॉर दिस मौका, एंड यू आर गोइंग टू हैव दिस मौकास अगेन एंड अगेन। यस, अगेन एंड अगेन। चलिए जी जनाब, अभी यहीं पर बात खत्म नहीं होती, हम आपको मिलवाएंगे फेवरेट। हमारे साथ दो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर यूनुस और तो और डॉक्टर इजहार, और उसके साथ नूरुल हसन साहब को कौन नहीं जानता। तो चलिए आइए हम आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर इजहार जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं आपके? बिल्कुल जी, पहचान लिया आपने मुझे? जी जी बिल्कुल पहचान। बहुत माशाल्लाह से ही इज अ हार्ट सर्जन एंड ऑफ कोर्स ही इज आल्सो वर्किंग एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ सोशल पर्सन एंड हेल्पिंग मेनी पीपल अंडर द पॉवर्टी लाइन। आई एम बेसिकली ऑन्कोलॉजिस्ट, और दूसरा मेरा ताल्लुक चूँकि अख़ुवत से है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पे एक बहुत अच्छी दावत जो थी, और टेस्ट वाइज इट वाज वेरी गुड। आई कैन सी दिस कप ऑफ कॉफी। और मैंने इसीलिए कहा कि मुझे आप कॉफ़ी जो है वो पेपर कप में दें, ताकि मैं इसको ज़्यादा देर तक एंजॉय करूँ। सो एक तो मैं बहुत मशहूर हूँ आप सब लोगों का भी, और यहाँ की कुजीन जो बनाने वाले हैं उनका भी, और दूसरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आज तो खैर हमारे साथ बहुत सारे अदीब थे, शायर थे, और हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। तो मैं एनकरेज करूँगा कि लोगों को वो आएँ और यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड। आपने बहुत अच्छी बात की, और बीइंग अ डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट करना किसी रेस्टोरेंट के टेस्ट को एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं आई एम फॉर इट एंड आई एम गिविंग माय फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑन दिस इवनिंग। कैसी आपकी गपशप और गैदरिंग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम यही कह रहे थे अभी डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब से, मेरी यही बात हो रही थी कि पता नहीं कितना अरसा पहले इस तरह हंसे होंगे जिस तरह आज हम हंसे हैं।
तो अकरम चौधरी साहब का और मैनेजमेंट का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर बैठें और गपशप करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव यू एंड इंटरव्यू हियर एट मौका फेस 68A। जी अब आ गई है नूरुल हसन साहब की बारी और आप देख सकते हैं कि मशहूर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट और एंकर होस्ट पर्सन तो आप इनको जानते ही हैं। रमज़ान का जो समय है वो हमेशा यही बांधते हैं हर साल। क्यों कैसे सर अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम कैसे मिजाज है। अल्लाह का शुक्र सर। मुझे ये बताएं मौका फेस 6 में आज अपने फेवरेट अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ मौजूद हैं। लवली तो वो नासिर काजमी कहते हैं ना वो दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू तो वो मौका ने इतना अच्छा मौका बल्कि थैंक्स टू चॉइस साहब उन्होंने बुलाया। और मैं खैर इसी बहाने से किसी ना किसी बहाने इकट्ठे होना चाहिए तबादला ख्याल भी होता है इवेंट भी हो जाता है एक अच्छी आपका आपके लिए बूस्टर भी हो जाती है एक मीटिंग एंड व्हेन द लाइक्स ऑफ लाइक खलीलुर्रहमान कमर उसी शाह डॉक्टर यूनस बट डॉक्टर इजहार सारे बहुत अच्छा रहा बड़ी अच्छी बैठक नशिस बहुत अच्छी रही एंड वी हैड अ वंडरफुल कोल्ड कॉफी और खाने में भी बहुत अच्छा था तो बहुत अच्छा अमेजिंग। मुझे ये बताइए आपके जो फैंस हैं ना दे आर ऑलवेज फॉलोइंग यू सो दे वुड लव टू नो आर यू गोइंग टू हैव अनदर न्यू प्रोजेक्ट्स। हां वो मेरे ख्याल चलेंगे साथ साथ वो तो हम सरप्राइज लेके चलेंगे आप जाना चाहेंगे। क्या सरप्राइज है ये तो कुछ ओपन सीक्रेट सा ही होता है वो जब होता देख ही लेते हैं सब लेकिन होपफुली अच्छा ही कुछ देखेंगे सारे इंशाल्लाह। बट यू स्टोल द शो ऑन समर डिजिटल ऑन द अदर था आप हमारा इंटरव्यू कर रहे थे हमें तो आपका करना चाहिए था इंटरव्यू। नहीं सर इट्स एन ऑनर टू इंटरव्यू यू एंड ऑफ कोर्स आपको कौन नहीं जानता आप किसी तारुफ के मोहताज हैं एंड इट्स अ वंडरफुल मोमेंट हियर और यकीन जाने दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रेशियस मेमोरीज लेटर ऑन व्हेन वी विल बी यू नो रिकॉलिंग इट। बहुत शुक्रिया लवली टॉकिंग टू यू थैंक यू। लाइकवाइज जी सर तो अब हम चलते हैं जी डॉक्टर यूनस बट की तरफ जो कि इस वक्त मौजूद है मौका फेस 68A में। चलिए आइए जानते हैं उनसे कि उनको मौका फेस 68A में कैसी लगी गैदरिंग कैसी लगी कॉफीज और कैसी मजे की गपशप थी उनकी। अस्सलाम वालेकुम सर आपको मालूम था कि मैं आपकी तरफ आने वाली हूँ कैसे सर आप। मैं आखिर में रह गया था तो मुझे पता था कि आप और कोई नहीं है। जी मैम बताइए मौका फेस 6 में आप मौजूद हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ कैसी रही गपशप गैदरिंग कैसी रही कैसे लगा एंबियंस। बहुत देर के बाद खलील से 15 साल के बाद डॉक्टर इजहार से भी कितनी देर के बाद इवन नूरुल हसन से भी बहुत देर के बाद मुलाकात हुई वसी शाह से भी बहुत देर के बाद मुलाकात हुई। तो अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं तो इंटरेक्शन नहीं होता मुलाकात नहीं होती तो ये दुनिया फास्ट हो गई है और फास्ट होते होते फासले भी बढ़ते चलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात डिजिटलाइज हो गई लेकिन मौका फेस 6 आपको मौका दे मौका जो है मैं यहाँ का ना हेजलनट का फैन हूँ तो इसलिए मैं यहाँ आता रहता हूँ क्योंकि मुझे इसकी कॉफ़ी जो है वो बहुत पसंद है। बीइंग अ डॉक्टर किसी रेस्टोरेंट के खाने को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है एंड आई एम सो सरप्राइज एंड अमेज्ड कि आपको भी जो एज अ डॉक्टर कॉफीज पसंद आई है तो जनाब हम भी ट्राई करेंगे। हाँ ज़रूर ज़रूर आप जो है काम करने को दिल नहीं कर रहा थोड़े बोर हो रहे हैं एक कप कॉफ़ी लें दिमाग भी चलेगा आप भी चलेंगे। इट विल पर्क यू अप डेफिनेटली आपको एनर्जी दे और यू विल एंजॉय इट। मैं तो जब क्रिएटिवली थोड़ा होता है ना कि मूड नहीं बन रहा आके एक कप लेता हूँ और उसके बाद जाके मैं अपने क्रिएटिव काम शुरू कर देता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल सर इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू एंड ऑफ कोर्स यू ऑल हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड वी विश कि आप ऐसे मौके मौका फेस 6 में ज़रूर लेकर आए जहाँ पे आप सब फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स इकट्ठे बैठे और कॉफ़ी के ऊपर गपशप लगाएं। थैंक यू इट्स अ गुड प्लेस टू सिट एंड गप। थैंक यू सो मच सर। जनाब आपने देखा कि मौका फेस 6 BHA में आज इतनी खूबसूरत शाम आपको हमने दिखाई क्लोज फ्रेंड्स मौजूद थे मशहूर शख्सियात थी और तो और फेवरेट फेमस ड्रामा राइटर्स पोइट्स सब के सब एक ही छत के नीचे मौजूद कॉफ़ी के ऊपर गपशप लगा रहे थे। ये गैदरिंग क्या ये सीन गैदरिंग थी क्या ये सीन शाम थी आप सब देख सकते हैं तो चलिए स्टे ट्यून्ड क्योंकि अभी बहुत कुछ है जानने के लिए।